जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजी हर नाक दुष्टर मारिया पैला तराया अहंकारियां निंदकां पीट दे नाम दे मुख लाया जन नानक सार सेविया अंत लै छडाया। सही सलोक मेला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुख दारू सुख रोग बया जा सुख तामना होई तू करता करना मैं नाई जाओ करी ना होई बलियारी को तवस्या तेरा अंत न जाई लकिया राओ जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा सैब सिप सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहा सोदा राग असा मेला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोदर तेरा क्या सोगर क्या जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संका केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सौ कहिए केते तेरे गावन हारे गाविन तदनो पान पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वार गाविन तदनो चित गपे लिख जानन लिख लिख धर्म विचार गाविन तदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गाविन तदनो इंद्रदासन बैठे देवतियां दर नाले गाविन तुदनु शिष समाधि अंदर गाविन तुदनु साध बिचारी गाविन तुदनु जतिस्ति संतो की गाविन तुदनु वीर करार गाविन तुदनु पंडित पंड किस जुग जुग वेता नल गाविन तुदनु मोनिया मन मोन सुरग मच प्याले गाविन तुदनु रतन उपाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गाविन तुदनु जोधो मां बलसुरा गाविन तुदनु खानी चारे गाविन तुदनु खंड मंडल बरमंडा कर कर के तेरे दारे सही तुदनो गावन जो तुद बावन रते तेरे भगत रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चीत नावन नानक क्या बेचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा सची नाई ऐ भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देके कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष बावे सोई करसी फिर कम न करना जाई सो पात सापत सईब नानक रैन रजाई आसा मेला पहला सुन वड्डा के सब कोए के वड़ वड्डा डीटा ओए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुनी गईरा कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा रा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई
ज्ञानी ध्यानी गुर गुराई के न जाई तरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सीधा पुरखा किया वड्याई तुदमें सिद्धि किने न पाया करम मिले नाई ठाकराई आकन वाला क्या विचारा सिप्ती भरे तेरे भंडार जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवार नारा सामला पेला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आकन औखा सचा ना साचे नाम की लागे भूख तबुके खाए चलिए दुख सो क्यों बिसरे मेरी माए साचा सही बिसाची नाई रा साचे नाम की तिलवड़ आई आग तक कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आकन पाए वड़ा नावे घाट न जाए नाव मरे नावे सोग दे दरे न चुके भोग गुने और नाई कोई न को न कोए जे वड़ाप ते वड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात कसम सारे ते कम जात नानक नावे बाज सनात रा गुजरी मेला चौथा हर के जन सत गुरु सत पुरखा बिनु करो गुरु पास आम कीरे किरम सतगुर शरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेवो क्यों राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत अमरी रह रास रा अर्जन के वड बाग वडेरे जिन हर हर सरदार प्यास हर नाम मिले तिपता से मिल संगत गुण पर गास जिन हर हर अरस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुरु सरन संगत नहीं आए दृग जीवे दृग जीवास जिन अर्जन सतगुरु संगत पाई तिन दुर्मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संग जिता रस पाया मिल जन नानक नाम परगास रा गुजरी मेला पंजवा काए रे मन चितवै उदम जार जो परिया सैल पतर में जंतु पाए ताकार जक आगे कर दरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काटरिया राव जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी दरिया से श्री जग संभाए ठाकुर काए मन वो करिया उड़े उड़ावे सको सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस सिदान ठाकू का तल दरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया रागसा मेला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
सो पुरक निरंजन हर पुरक निरंजन अरगमागम पारा सब दियाओ तुद जी हर सच्चे से जन आरा सब जी तुम्हारे जी तुम जिया का दातारा हर दियाओ संतो जी सब दुख विसारन आरा आरा पे ठाकुर आरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तुम घट घट अंतर सर्व निरंतर जी अरे को पुरख समान एक दाते एक बैकारी जी सब तेरे चोज विडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हूँ तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म ब्यंत ब्यंत जी तेरे क्या गुण आक वकान जो से तुझी जन नानक तिन कुर्बान हर दियाओ तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत भय जिन दया जी तिन तुटी जम की फांसी जिन निर्भाव जिन हर निर्भव दया जी तिन का भाव सब गवासी जिन से व्या मेरा जी ते हर रूप समासी से दन जिन दया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी बरे ब्यंत ब्यंत तेरे भगत सलांत जी हर अनेकंत तेरी अनेक करे अर पूजा जी तप तपो जपे बियंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे अर भगवंता तू आद पुरक अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको दास दा तू एको जी तू ने चल करता सोई तू दापे भावे सोई वरते जी तू आपे करी सोई तुदा पे सिसव पाई जी तुदा पे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई असाम चौथा तू करता सच्यार मैं डासाई जो तू बावे सोई थी सी जो तू दे सोई ओ पाई राओ सब तेरी तू सबनी दया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माए तुझ बिंदु जा कोई नाई जी जंत सब तेरा खेल जोग मिल विचड़िया संजोगी में जिसनो तू जनाए सोई जन जाने हर गुण सदिया कवकाने जिन सेविया तिन सुख पाया सहजे अर नाम समाय तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जावर न कोए तू कर कर वेके जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा मिला पहला
तित सरे बैले निवास पानी पावक तिनी किया। पंकज मो पग नहीं चाले हम देखा तें डूबी अले। मन एक न चेतिस मुड़ मनार विसरत तेरे गुण गलियारा। नाओ जतिस्ती नहीं पड़िया मूरख मुंगदा जन्म व्या। पनवत नानक तिनकी शरण जिंतू नाही विसरिया। सामला पंजम भई परापत मानक देवरिया। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काय तेरे किते न काम मिलसा संगत बाज केवल नाम। शरम जाम लाग बहु जल तरन के जन्म बिरता जात रंग माया केरा। जब तब संयम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया राय। कौ नानक मुनीच करमा शन पड़े की राको शर्मा एक ओंकार। श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई। ओम राक्षस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पौपन विष्ट गगन ते वही सविनान बधाई दई। धन धने लोगन के राजा दुष्टन दाए गरीब निवाज। अकल भवन के सिजन आरे दास जान में ले ओ बारे। कब बाज बिनती चौपाई हमरी करो आदे रचा पूरन होए चित की इच्छा। ताव चनन मन रहे हमारा पुना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम गाओ अपादे मोए बचाओ। सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतार। मोर चाने कर दे करिए सबरन को आज संगरी। पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यास। तुम्हें छाड़ कोई अवर न दियाँ जो बचाऊँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख मारे तारिये चुन चुन सत्र मारे मारी। आप दे मुझे भरिए मरण काल का त्रास निवरी। ऊजोस्ता मारे पचा श्री दुजो करियो रच्चा। राख लियो मोरा कन आरे साहिब संत साए प्यारी। दीन बन दुष्टन के अंता तुम पुरी चत दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बवदरा काल पाए शिवजुआ उतरा। काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार ऐ ताई अमार। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो। आदंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजा जिनाप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानते भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर स्तूला सफा कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
एक एक की पीर पचाने गट गट के फट फट की जाने जावुद कर करा करता रा प्रजा धरता उदे अपार जावा कर कर तो कबू तुम्हें मिलत दे दर सबु जेते बदन शिष अवधारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सभी तेरे तनिरालम जानत भेद भेद हर आलम निरंकार निविकार निर्लंब आद नील नाद सम ताका मोड़ उचारत बेदा जाको बेव न पावत बेदा ताको कर पान अनुमानत मां मूड़ कच भेद न जनत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्त नैब आप अपनी बुद्धि अजेती वर्णत भिन भिन तोयती तुमरा लका न जाए पसारा की विद सजा पतम संसार एके रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राहु कई बुपा अंडा जेर से तजकिनी उत्बज खान बौर रच दीनी को फूल राजा है बेटा कौ सिमट भयो शंकर केटा सगरी शिष्ट दिखाए चंबव आज गा स्वरूप स्यंब अवरक्षा मेरी तुम करो सिको बार सिख संगरो दूजते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रंगाता जे आदि तो शनि पड़े तिनके दुष्ट दुख्त है मरे उरग जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दिए ताके काल निकट नहीं है रचा होए तां सब काला दुष्टरी ठरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए नीरियो ताके ताप तनक मोहरियो दृषिद गर्मो सबोई दूचाव चै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फास्ते ताए उबारा जिना नाम त्यारो का दारी दुष्ट दोक तेरा कड़केत में शन त्यारी आप दे लो बारी सरव ठोर में होए साई दुष्ट दोक ते लो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबरात किलबिक सकल दे को अर्ता दुष्ट दोकियन को छै करता श्री अदूज वैद्याला पूरन करा ग्रंथ तत्काल मन वाचत पल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गूंग जो याए सुरस ना पावई सुने मूड़ चित लाए चतरता आवई दुख दर्द बो निकट न तिन्नर को रे ओ जो याकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह शेष मनीजे अर्ध शेष पुन तीन कई जे भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुदार इति श्री चत्योपज्ञाने त्रिया चैते मंत्री भूप समांदे 405 चरित समापत मस्त शुभ मस्त अफजू।
दोरा दास जान कर दास परे कीजे कृपा पारी आप आदे राख मो मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं न गने से पतम मनाओ किशन बिशन कबू नहीं द्याऊ कान सुने पहचान तीन सो लीला गी मोरी पग इन सो माँ काल रखवार मारो मालो मैं किं कर तार अपना जान करो रखवार भाई गए की लाज विचार अपना जान मुझे पत परिये चुन चुन सत्र मारे मरी देग तेग जग में दो चले राख आप मो और नंदले तुम मम करो सदा प्रतिपारा तुम साई में दास त्यारा जान अपना मुझे निवाजी आप करो हमरे सब काज तुम ओ सब राजन के राजा पे आप गरीब निवाज दास जान कर कृपा कर मो आर परा मैं आन द्वार तो अपना जान करो प्रतिपारा तुम साई में किं कर तार दास जान दे हाथ उबारो अमरे सबेरियन संगार प्रीतम धरो भगवत को ध्याना भौर करो कविता विधि नान कृष्ण जता मचरित उचारो चुको कबल्यो सुदारो कबो बाच दुरा जो निज प्रभ मोसो का सो कयो जग माय जो तै प्रभ को जाए अंत स्वर्ग को जाए दोरा हरि अर्जन दोय के विचार कछ नाई जलते पै तरंग ज्यों जल ही बिखी समाई दोरा जब आयसु प्रभ को भयो जन्म धरा जग आई अब मैं कथा संक्षेप ते सबु कहत सुनाई कबो बाच दोरा ठाड भयो में जोर करी बचन का सिर न्याय पंत चले तब जगत में जब तुम करो साय दोरा जे जे तुमरे ध्यान को नितुट दिए संत अंत लेंगे मुकत फले पाएंगे भगवंत दोरा काल पुरख की दे मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा की ते रव सस कोर जलेश दूरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाकत नेत सुरग बार गुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नावे विष्ण भगत की ये फल होई आद ब्याह च सके न कोई समसत्र सहस पचावन हाड़ वधी पतम सुख दामन तब प्रसाद का ग्रंथ सुधारा भूल परी ले लो सुधारा दोरा नेत तुंग के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोरा साद सा जानो नहीं बाद सुवाद विवाद
ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सव्या। पाए गए जब ते तुमरे तब ते कोई आग तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्य। सिमर शास्त्र वे सबे बहु वेद कहे आम एक न जान्य। श्री असिपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बख्यान्यो दोरा। सगल द्वार क्यों छाड़ के गयो तुआरो द्वार। बाय गए की लाज अस गोविंदास द्वार। राम कली मेला तीजा नंद क्यूंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहसेती मन वजियां बादाई। राग रतन पर वार परियां शब्द गावन आईया। शब्द उत गाव हरि के राम अंजनी वसाया। कै नानक नंदवा सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदारो अर नाले अनारो तू मन मेरे दुख सा विसारण। अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारण। सबना गला समरत स्वामी सौका मन विसारे। कहे नानक मन मेरी सदारो अर नाल। सचे सैबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सब कुछ है जिस ते सो पावे। सदा शिव सला तेरी नाम मन वसाए। नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं गर तेरे। सचा नाम मेरा आधारो साई नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाई कसा सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो। जिस दियां ए वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यार। सचा नाम मेरा आधार वाजे पंशबत तित गर सबागे शब्द वाजे कला जित गरदारिया। पाइंटो तदवास किते काल कंटक मारिया। दुर्कर्म पाया तू जन कौ से ना मार के लागे। के नानक ते सुखवा तित गर अनद वाजे। आनंद सुनो वड बागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संसाजन वैसर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर आबर पूरे। बिनवन नानक गुचन लागे वाजे अनाद तुरे। मुदाउनी मेला पंजवा ताल वेतन वस्तु पयो सत संतोक विचार। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदार। जे को खावे जे को गुंचे तिसका होए उदारो। ए वस्त जी नहीं जाई नित नित राकुरदार। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक मेला पंजवा तेरा कीता जा तो नहीं मैनू जोग कितो। मैं निर्गुण आरे को गुण नाई आ
आपे तरस पयोई तरस पया मैं राम त्योई सतगुरु सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवान तन मन तिवे हरिया पौड़ी तिते तू समराज ते कोई नाए ओते तेरी राकनी उदर माए सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए बौजल बिकम अस्का गुर शब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत से खाए कल में ओयो पुन गुन गोविंद गाए सबसे नो कृपाल संभाले साय साय बिरता कोई न जाए जियावे तू दाए श्लोक मेला पंजम अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम नेत्री सात गुरु पेक नाम सवनी सुनना गुरु नाम सतगुरु से तीरतिया दरगे पाइए ठाऊं कौ नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के मेला पंजम रखे रखन आरा पुबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होया आप दयाल मनु न विसारियन साजना के संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट किन माए बिदारियन तिसैब की टेक नानक मने माए जिस मरस कोए सगले दुख जाए तिसैब की टेक नानक मने माए जिस मरत सुकोए सगले दुख जाए सगले दुखा पापा का नाश तेरे बजंदा परगास पौड़ी कीता लोड़िए कम सुअर पया की कार दियो सवार सतगुरु सह साखिए संता संग निदान अमरे चाखिए बे बंजन मेहरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए बे बंजन मेहरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुम का कर तो पै अरदास जियो पिंड तेरे तुमरे कृपा में सुख घने रे कोई न जाने तुमरा अंतुम उचेते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सुतर तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसमी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठी सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौ नदियावे ताही सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय
दसा पाशाहियाँ की जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दिदार दा ध्यान धर के बोलना जी। पंजाब प्यारियाँ चों सब जादे चाली मुकतियाँ हठियाँ जपियाँ तपियाँ जिन्हां ने नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई दिग बहाई देख के अंडिठ किता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। जिन्हां सिंघा सिंघण त्रमीत शिश दिती बंद बंद कटवाई खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ती चढ़ी तनारियां नाल चिरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कितियां त्रम नहीं हारिया सिखी के सा सुवासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। पंजाब तख्तां सरबत गुरुद्वारियों का ध्यान धर के बोलना जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जिनू वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ताहाँ ताहाँ रशिया रिहत देग तेग फतेह ब्रत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियाँ चंडे बुंगे जुगो जुग टल त्रम का जयकार बोलना जी। सिखा दा मन निवा मतुची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु हे काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियाँ गुरु धामा जिना तो पंथ नो विछोड़िया गया हितना दी खुली दर्शन दिदार ते शिवा संभाल दा दान खालसा जिनो बख्शो हे निमाणिया दे माण गुरु नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट जुगो जुग टल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सची पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बिनती हे सतगुरु जी आप जी दा कोटान कोट शुक्र है आप जी अमृत विली तो संगतां नूं खुले दर्शन दिदारी बख्शिश कर रहे हो पातशाह जी आप जी दी पावन हजूरी अंदर इस वेले श्री गुरु तेग बहादुर सेवक दल वलों गुरुद्वारा साहिब हेमनगर विखे महीने दे आखरी शनिवार नूं आप जी दी अपार कृपा सदका दीवान सजाए जांदे ने पातशाह जी हो अज दे दीवान सरदार अजीत सिंह जी दी मिठी याद नूं मुख रखी दतार जी आप जी दी पावन हजूरी अंदर आरंभ कीते ने पातशाह जी हो सब तो पहला सोधर रेरा साहब जी दे जाप कीते दतार जी गुरबाणी दे जाप कर दियां होईयां भुल्लां दी क्षमा करना जी अगाह तो सोहनी सुमत सतबुद्धि बख्शिश करना पातशाह जीओ दरते आईयां संगतां दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां अरदासां दर प्रवान करना इस वेले कृपा करो सतगुरु जी पावन हुक्म दी दात बख्शो जी सरबत नूं निहाल करो ते दतार जी उपरंत कीर्तन दीवान अरंभता दिया गया बख्शिश करना सही प्यारे मिलो जिनाह मिलया आप जी दही नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा पला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सौ निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु दंडोत बंद नानक बार सर्व कला समरत डोलन ते राखो प्रभु नानक ते गर अति
ज्ञान ध्यान किछ करम ना जाना, नाहन निर्मल करनी। साध संगत के आंचल लाओ, नदी बिकम जाए तरनी। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा आंदे साओ, जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे सा। सो कोटाल गुरु सेविए नसेज सुबाई, दर्शन परसिए सत गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सत नाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। सोरठ मेला पंजमा, गुरपुरे चरनी लाया अर संग साई पाया। गुरपुरे चरनी लाया अर संग साई पाया। जै जाइए तां सुवेले, कर कृपा प्रभु मिले। हर गुण गाओ सदा सुबाई, मन चिंदे सगले पल पावो। जी के संग साई रा, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतित पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतिपाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइए। बौड़ ना जोनी पाई, जिस देवे पुरक विदाता। हरस तिनी जाता, जम कंकड़ नेड़ नाया। सुख नानक सरनी पाया, जिस देवे पुरक विदाता। हरस तिनी जाता, जम कंकड़ नेड़ नाया। सुख नानक सरनी पाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी। गुरु जी
किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिन टेक तर अवर ना कही, तू करते राख मैं निमानी है, मैं निमानी निमानी मैं निमानी है, निमाणियों के मान गुरु नी तानियों के तान, नियोटिया दियोट गुरु नी आसरियों का आसरा, आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब गरीब निवाज। राग तना श्री महला पहला, आरती ओंकार सतगुरु प्रसाद वाहिगुरु। गगन में थाल रब चंद दीपक बनी, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आल लो पवन चवरो करी, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसे आरती होए बाबा खंडना तेरी आरती अनहता, सगद वजंत बेरी सैस तव नैन नन नैन है तो एको, सैस मूरत ननाइक तोई, सैस पद बिमरनन एक पद गंग, सैस तवन चलत मोही, सब में जोत जोत है चानन, सब में चानन होए गुरु साखी जोत परगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए, हर चरण कावल मकरंद लो वित मनो, अन दिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंग होए जाते, तेरे नाम वासा वाहेगुरु नाम तेरो आरती, मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठी सकल पासारी, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो लैशकारी, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदना, कस जपे नाम लै तुझे को जारी, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल में माई पसार, नाम तेरे की जोत लगाई, भयो झियारो भवन सगला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अटार सगल जुठा, तेरो किया तुझे क्यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे, दस अठाठ सठ चारे खानी, एह बरतन है सगल संसार,
कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है भोग तुहारे धूप दीप गिरत साज आरती वारन जाओ कमला की मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राई उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन वाहिगुरु कमला पाती राम भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद पकाने मदन मूरत भय तार गोविंदे सैन बने भज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद्भुत आदि समाई सीध समाद तिरोत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पूरख निरंजन सतगुर पूजो पाई ठांडा परमा निगम बिचारे तेरो अलख न लखे आ जाई तत तेल और नाम या बाती दीपक दे उजियारा जोत लाई जगदीश जगाया बुझे बुझन हारा पंचे सबद अनाहग वागी संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करम पे तिनके काज सवार दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नत दियो पनिया शदन निका अनाज मंगो भक्ति का गौ भैंस मंगो लावेरी एक काजम तुरी चंगेरी वाहिगुरु घर की गीहन चंगी जन धन नाले वे मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सोरठ भूखे भगत न की जय ये माला बनी दिखे हो मांगो संतन रे नाम मैं नायक जी का दे नाम दो कैसे बने तो संगे अपना देव करे नाम मंगे दूसरे मांगो चुना पाओ के ओ संग लुना अक्षर मांगो दाले मोको दोनों भक्त जवाले खाट मंगो जो पाही सिरहाना वर तुलाई ऊपर को मांगो खिंता तेरी भगत करे जन दिना मैं ना ही किता लपो नाओ तेरा मैं पपो कह कबीर मन मान्या मन मान्या तो हर जाने माधो माधो कैसी बने दयाल कैसी बने तुम संगे संगी आपना देहो तवे हो मंगे मंगे सवैया हयाती प्रसन्न भये है महामुन दीवान के तप मैं सुख पावे जग करे वेद रे बाबा ताप हरे मिल ध्यान लगावे झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंध रब गान करे गान जच अपश नृत्य दिखावे संतन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरंदर के बल जावे दानत दशन देके प्रदर्शन पाल मैं को कम अशत लावे होते कुलाहल देवपुरी मिला देवन के कुल
सोई की जय। शस्त्रण शो अति ही रण भीतर जूझ मरो तो साज पति जय। संत सहाय सदा जग मां किरपा कर श्याम एहे वार दी जय। पाए गए जब ते तुम्हारे ताप देखो आँख तरे नहीं आनो राम रही माँ कुरान कुरान अनेक कहे मत एक ना मानो सिमरत शास्त्र वेद सब पाओ वेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस पान कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहो सब दोहे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को शाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंद दास द्वार ऐसे चंद प्रताप ते वन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे रहे नाम तन जाप आज्ञा चतर चक्र वरती चतर चक्र भुगते स्वंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते। वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निगी गोद दा आनंद मान रही सात संगत जी आओ फतेह बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर महीने का आखिरी शनिवार गुरु तेग बहादुर सेवक दल वालों गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी वालों श्री सुखमनी साहब जी सेवा सुसाइटी संगतां दे सहयोग नाल रात दे दीवान गुरद्वारा हेमनगर साहब विखे तकरीबन 27 साल तों बड़े उच्चे पद्धर ते मनाए जा रहे हैं। आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़ी गुरमुख प्यारे सरदार साहब सरदार अजीत सिंह जी जिन्हां दी मिठी याद विच अज प्रोग्राम उड़ीका गया। पंथ दे महान कीर्तनीए भाई साहब भाई जसप्रीत सिंह जी सोनू वीर जी दिल्ली वाले संगतां दे विचकार पुज चुके हैं। तकरीबन 14-15 साल बाद अज हाजरी सोनीपत विखे दोबारा भर रहे हैं। भाई साहब जी का कीर्तन बहुत ही रसबिन्ना बड़ा प्यार वाला। आओ तकरीबन 10 बजे तक भाई साहब जी आप जी जुड़नगे। भाई साहब जी ने बेनती है कि स्टेज पर बैठने की कृपालता करन संगतां नूं गुर इतिहास नाल जुड़न। आओ सोनीपत दी संगत वालों भाई साहब जी जी आया नूं कहिए बोले सोनेहा। पंथ दे महान कीर्तनीए भाई साहब भाई जसप्रीत सिंह जी सोनू वीर जी दिल्ली वाले आओ बाणी नैट ते प्रोग्राम सारा लाइव जा रहा है। मेरे वीर दिल्ली तो आए हैं इस प्रोग्राम नूं रिकॉर्डिंग करन वास्ते अगे तक संदेशा पहुँचाने वास्ते। जिथे जिथे तक आवाज़ जा रही है मेरे संगतों के चरणों में बेनती है कि आप जी समा सिर गुरुद्वारा साहब पूजन की कृपालता करो ताकि गुरु इतिहास नाल जुड़ के अपना लोक ते परलोक नूं सफल करिए। आओ बाणी ते बाणी नाल जुड़िए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ के महान कीर्तनी है भाई साहब भाई जसप्रीत सिंह जी सोनू वीर जी दिल्ली वाले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
शरण सगल पहला थे प्रभु की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पा दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया पूरा सतगुर ध्याया पूरा सतगुर ध्याया प्रभ की शरण सगल पहला मन रे मन रे प्रभु की शरण विचार प्रभु की शरण विचार मन रे मन रे मन रे प्रभु की शरण विचार रब की शरण विचारो जय सिमरत गन का से उदरी जय सिमरत गन का से उदरी ताको जस उरधारो को जस उरधारो मन रे प्रभ की शरण विचारो प्रभ की शरण विचारो
अटल पे ओ त्रुजा के सिमरन अटल पे ओ त्रुजा के सिमरन हर निरपै पद पाया हर निरपै पद पाया दुख हरताए विद को स्वामी दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया तै काहे बिसराया तै काहे बिसराया मन रे मन रे मन रे प्रभ की शरण विचारो प्रभ की शरण विचारो जब ही शरण गही कृपा निद जब ही शरण गई कृपा निद गजगरात छूटा गजगरात छूटा महिमा नाम कहा लो बरनो महिमा नाम कहा लो बरनो राम कैत बंधन ते टूटा 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 मन रे मन रे प्रभ की शरण विचारो प्रभ की शरण विचारो जय सिमरत गन काशी उदरी जय सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उरदारो ताको जस उरदारो मन रे मन रे मन रे प्रभ की शरण विचारो प्रभ की शरण विचारो अजामल पापी जग जाने अजामल पापी जग जाने निमुख माए निस्तारा निमुख माहे निस्तारा नानक कैत चेत चिंता मन
नानक कहत चे चिंता मन तैपी उतरे पारा तैपी उतरे पारा तैपी उतरे पारा मन रे मन रे मन रे रब की शरण विचारो रब की शरण विचारो जय सिमरत गन काशी उदरी जय सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उर्धारो ताको जस उर्धारो मन रे मन रे मन रे प्रभ की शरण विचारो प्रभ की शरण विचारो वाहे गुरु 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 वाह वाह सारिया संगतां आखो जी गज बज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारिया नूं बेनती है जे सतगुरु दे हजूर बैठे हो लाभ तां है जे हाजिर होके बैठी फतेह सारिया नूं बुलानी चाहीदी है। कई संगते है फतेह बुलाउण लगे हाँ बेनती है फतेह गुरु दी जाण के चढ़दी कला विच सारी संगत इक्के वारी कहण ते असीस बख्शो गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां नूं ते कोई मजबूरी है
जिहड़े पिछे दीवार दी टो ला के बहना चाहुंदे है, कुर्सियां ते बहना चाहुंदे है, जिन्हां दे शरीर दी मजबूरी है वह तो पिछे बैठे रहन, बाकियां नूं बेनती अगे अगे हो के बैठो। जिन्नी अगे अगे हो के बैठोगे उन्ना कलयुग दूर दूर भजेगा, जिन्ना सतगुरां तो दूर दूर हो के बैठोगे उन्ना कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पएगा। ये बेनती है, नेड़े नेड़े हो के बैठो सतगुरां दे। सरदार अजीत सिंह जी उन्हां दी प्यारी मिठी याद विच आपां सारे जुड़ बैठे हैं। सतगुरु मेहर करन, बख्शिशां करन, लंबियां उमरां करन सारिआं दी। पर पता नहीं है कोई जिंदगी दा किस वेले किदा पटाका बोल जाना, कोई गरंटी नहीं है जिंदगी दी पक्की रजिस्ट्री किसे दी भी नहीं, किस वेले किदा पटाका बोल जाना कोई पता नहीं। PTC पंजाबी ते, चढ़दी कला टाइम TV ते, बाणी .net वाले कोई तेरी खबरां नहीं विखाउणगे कि सरदार जी दे अखीरली वार दर्शन कर लो। ये नहीं होना, बस यही होना, कल तो चंगे भले मिले सी, की हो गया एकदम? घर दे कहणगे रात नूं चंगे भले सुते सी, सवेरे उठे ही नहीं। इस तरह ही होंदा है, जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब कीआं। गुरबाणी कहिंदी गुरु तेग बहादुर साहब, नर चाहत कछ औरे की औरे पई। सोचिआ तो कुछ होर होंदा पर होर ही कुछ हो जाता, जो चित चेते च भी नहीं सोचिआ होंदा वह हो जाता। इस करके कोशिश करो, जे सोहणे सत्संग दे समें महाराज ने बख्शे ने, पूरा पूरा लाभ लईए, हाजिर हो के इन्हां घड़ियां नूं सफल कर सकीए, लाभ लईए। साडे दिल्ली विष्णू गार्डन दा इलाका है, उत्थे दलजीत सिंह जी, आपां चाचा जी क्या करदे सी उन्हां नूं, अपनी घर दी नूं कहिंदे आ, नरेंद्र कौर नूं कहिंदे चाह बना जरा। बहुत सुनन वाली गल है, देखो मौका भी नहीं मिलता। सामान 100 बरस का पल भर की खबर नहीं, इनिया लंबिया आसा ला के बंदा बैठा, पल की खबर नहीं है। कोई समान बाजारों खरीदते हैं, दुध खरीदते हैं, ब्रैड खरीदते हैं, तो वेखते हैं यदि एक्सपायरी डेट केड़ी, लंबी तो लंबी डेट नहीं, पर हासा आउंदा है। दुध दी लंबियां डेटा, ब्रैड दियां लंबियां डेटा, होर चीज़ां दियां लंबियां डेटा, सरदारा तेरी केड़ी डेट है, तेरी केड़ी डेट है, पता नहीं किस वेले प्राण पंखेरू उड़ जाने। हम आदमी हाँ एकदमी, दम आया तो आदमी, नहीं तो मिट्टी दी ढेरी सारी। वो कहिंदा नरेंद्र कौर चाह बना जरा, नरेंद्र कौर चाह बना के ले आई उन्हां दी घरवाली, विच टेबल है ते आमने सामने कुर्सियां ते दोनों बैठे ते चाह दे कप टेबल ते पए होए। दलजीत सिंह जी ने चाह दा कप चुकिया, हजे बुल्लां तक लाया चाह दा कप, बुल्लां तक एक घुट भी अंदर नहीं लंघाया। जिस तरह बुल्लां ते लाया चाह दा कप, उवें सर सुटता। वो नरेंद्र कौर सामने बैठी कहती मैं वेखदी रह गई, इन्हों की हो गया एकदम। जदों घोख की हाथ पैर ला के सारे चीज़ा वेख्या, शरीर ठंडा पै गया, कहते कमाल हो गई, मेरे सामने बैठे बैठे एकदम ही खिंच के लै गए सवास, एकदम ही हंस उड़ गया। वेख लो इन्ना भी समा नहीं मिलना, चाह बन जाएगी, कप च पै जाएगी, चुक भी लेगा, बुल्लां तक भी ला लेगा, जे हुक्म नहीं तो घुट भी अंदर नहीं लंघा सकता बंदा। तो कोशिश करनी चाहिए है, हर सवास नूं सफला करना चाहिए। सियाने कहिंदे हर सवास नूं सफला करो, पुछया जी क्यों, कहिंदे पता नहीं किहड़ा खीरला होवे, जदों किसे नूं मिलो खिड़े मत्थे मिलो, मत्थे दे तीउणियां ना पाओ। पुछया जी क्यों, कहिंदे पता नहीं किहड़ी मुलाकात खीरली होवे, फिर मन च रह जाएगी यार कल तो मिलिया सी, मैं सड़े मूँह मिलिया सी, उहनूं जे मैनूं पता हुंदा अखीरली मुलाकात है तो मैं जफियां पा लैणियां सी। बाद चो ना सर मारदे रहो, कोशिश करो जींदियां जी बंदियां दी कदर पाओ। महाराज मेहर करन, बख्शिशां करन, रहमतां करन। ये समागम ताई होंदे ने कि कोई चोट वजे, कोई सट वजे,
ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਹੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਜਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਬੜੇ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸੈਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੜੀ ਰਹੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੇੜੇ ਮੁੱਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ, ਕਦੀ ਸੱਪ, ਕਦੀ ਬਿੱਲਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਵਲ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪਏਗਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਤ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀ, ਟੱਕਰਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੇ। ਸੂਰਨੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 10 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ,
बदत लोचन ते नर मुक्ता पितंबर वाक्य है। एक कानून लिखे हुए ने महाराज जी, मेहर करन महाराज जी, बख्शिश करन। इन्हों समागम तो आज कोई ना कोई झोली च बचन पवा के लै जाइए। फानी संसार है, अलविदा कहना एक दिन। सुचेत हो के रहिए, सतगुर सेव खर्च खर बांधो, मत जानो आज के कल। कल कल ते ना सुट, कल कल कर दे, एक दिन कल आनी नहीं जिंदगी जी, एक दिन कल नहीं आनी जिंदगी जी। जो करना हुण ही कर ले, बस छेती छेती फैसले कर। दिन ते पहर, पहर ते करियां, आव कटे तन छीजे। काल अहेरी फिरे बदिक ज्यों, कहो कवन बिद कीजे। मौत दा शिकारी हर वेले तेरे सर ते मंडरा रहा, पता नहीं किस वेले उन्हें गिची तो फड़ लेना, किस वेले तेरा शिकार कर लेना उन्हें। फिर रह जाएगा सब कुछ मन च ही। रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। लांता पैणगियां फिर हीरे लालां तो महंगी दे, तेनू बख्शी सी कौडियां दे पार रोल के आया है। तेरियां कौडियां इत्थे रह जाणगियां, तेरी जायदाद इत्थे रह जाएगी, तेरे बैंक बैलेंस बैंकां च पे रह जाणगे, तेरी जोड़ी माया तिजोरियां च रह जाएगी, तेरे रिश्तेदार मित्र धी पुत्र परिवार तेनू मोढ़ियां ते चुक के लकड़ां ते पा के तीली ला के साड़ के आ जाणगे। पोटली जिन्ना तेरा समान जल परवाह कर देंगे, सजना तेरे नाल की जाएगा। कदी विचारे आई, कदी सोच विचार कीती है, मेरे नाल की जाएगा। आ जाएगा जे संगत च बह के जपया होएगा सतनाम श्री वाहेगुरु। तगड़े होके बोलो सारे सतनाम श्री वाहेगुरु। बस ये धन है जेड़ा नाश नहीं जे होंदा, होर सब कुछ नाश हो जाता, सब कुछ नाशवंत है। एक वाहिगुरु जी का परमात्मा का नाम है जेड़ा नाल तुरदा। आओ अगे अगे जिवें सतगुरु कृपा कर दे, सुचेत हो के बैठे हो, मोबाइलों बंद रखे हो। थोड़ा समा 10 बजे तक का हुक्म होया, 10 बजे आप आनंद साहब पढ़ांगे। तद तक सारी संगत को बेनती है कि ते रोले तो संकोच रखना, मोबाइलों बंद रखना। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, फिर वाइब्रेशन ते कर लेना, ता जो चलते कीर्तन में किसी प्रकार का रोला ना पवे। तुहाडे सोनीपत हेम नगर की संगत की बहुत थां ते चर्चा है कि संगत बहुत प्यार वाली है। देशों विदेशों से बाणी.net के राही संगत तुहानू घर बैठिया भी वेख रही है। इन्ने चा नाल तुसी कीर्तन ते बैठे हो कि घर बैठिया नू भी चा चढ़े, उन्हां दे अंदरों भी तुहाडे लई असीस निकले। ऐसी कृपा करियो। आओ 2 मिनट कीर्तन की रमता तो पहला गुरमंत्र का आसरा लईए, फिर जिवें सतगुरु कृपा करदे आपां सारे हाजरी भरीए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत करो जी कृपा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो कर्मा वाले, भाइयां वाले पासे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो जपो, शाबाश। सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे नहीं बोलते, बोलो कर्मा वाले हो। आए गुरु 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 आए गुरु। बोलो बोलो।
गुरु 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 जपनते कश न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी रोए अंते मिले गोपाल हाथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार ओ घर घर नाम कमावना नानक ए धन सार जवानी गई बुढ़े पायाया सारे बोलो जवानी गई बुढ़े पायाया उम्रा लगी किनारे ओ जेड़े बीते नाल तो गाड़े ओही भले देगाड़े बुढ़ा होया जोबन खोया बैठ उम्र दे मंदर अच्छी रही सोई गुरु मेरे जो बीती चरणा अंदर जो बीती चरणा अंदर जय मात पिता सुदमीत न भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय मां प्यार दूत जम दले ते केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे तुम्हारी हर को नाम अनक पुने चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर खरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे ओ नानक पावो सुख घने सारे बोलो गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक बाबो सुख घने भज मन मेरे एक को ना बोलो भज मन मेरे एक को ना भज मन मेरे
एको नाम सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मन आए भज मन मेरे को ना जी तेरे के आवे का रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपुरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख विक्रम सागर
तेई जन तरे नानक जाको नद करे उपजवन मेरे को प्रीतम जान ले गो मन मागी अपने सुख स्योगी जग फांदे ओ को काहू को नाही सुख में आन भगत मिल बैठत
रैत चहों दिस घेरे बिपत परी सब की संग साडत को नयावत ने रे घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी ओ जब की हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को ब्योगार बनयो गै जास्यों नेगो लगायो अंत बार नानक बिन घर जी अंत बार नानक बिन घर जी को काम ना आयो इस करके भजमन मेरे एको ना बोलो भजमन मेरे एको ना सारे बोलो भजमन मेरे एको ना भजमन ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ
खुशी लैण लई आखो सतनाम श्री गुरु। महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह देखो सानू किदे वड्डे भुलेखे तो कढ़ दे, कहिंदे हे मेरे मना उस राम दे नाम नू भजिया कर, कहिंदे ए तेरे जी दे काम आएगा। सोचो आपां सारे पढ़े लिखे हाँ, विचारवान हाँ, कितनी जिंदगी साड़ी लंघ गई, किन्नी रह गई है ते मालक जाने। एक साल बाकी है, दस साल बाकी ने, महीना बाकी है, हफ्ता बाकी है, दिन बाकी है, घंटा बाकी, ये ते मालक जाने। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे कहिंदे हुण विचार के वेख, जे हुणे सदा आ जावे तेनों, जे हुणे ही सदा आ जावे, चल सरदार जी तैयारी करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुणे ही कह दवे कि चल चलीए, कित्थे जी, कहिंदे हिसाब किताब हुण। फिर वेखदा ही रहेगा कि इन्ना कुछ बटोरिया, मैं तो सोचिया सी इन्ना कुछ बटोरन तो बाद आनंद लवांगा, वह कहिंदे आनंद तू नहीं, आनंद तेरे बच्चे लैणगे। हुण मैं अपनी अखी वेख्या जी, सारी जिंदगी कमांदा कोई है, पिछे बह के खांदा कोई, अपनी अखी वेखे, खोद खोद के मूसा मर गया मौज लई पुजंगे ने। मूसा कहिंदे चूहे नूं किन्नियां खुड्डां खोददा, जदों खुड तैयार हो जांदी ते सियाणे कहिंदे सप आंदा, कहिंदा तू परे हो, आनंद ते मैं लैणा। हुण मेहनत किन्ने कीती ते आनंद कौण लैंदा। खोद खोद के मूसा मर गया मौज लई पुजंगे ने, सिंच सिंच के माली मर गया। तुसी वेखो माली नू किन्नी मेहनत करदा है फुल लाउण तक, जदों फुल तैयार हो जांदा कहिंदे सिंच सिंच के माली मर गया मौज लई पवरंगे ने। असली आनंद ते भवरा लैंदा रस चूसदा। तीसरा वचन करदे जोड़ जोड़ के सूम मर गया मौज लई वरतंगे ने। मैं नहीं खर्च करने, मैं नहीं खर्च करने, कहिंदे जदों मर जांदा ते बच्चे लुटांदे उहनू, बर्बाद कर देंदे सारा कुछ ही। तू सूम बणिया रहा, तू सप की तरह तिजोरी अगे बैठा रहा, तेरी औलाद अगों तैयार सी, कद बुढ़ा मरे ते प्रॉपर्टी साडे नाम हो गई। ये तो उजाड़न ते शेर बनी बैठी, विरले होंदे जिहड़े सांभ संभाल करदे, जिन्हां दा बाप बनी बनाई जायदाद दे जावे, विरले बच्चे होंदे जिहड़े कदर जाणदे। नहीं तो माफी देना, जिन्हों मेहनत करके कमाउणी पए उहनू पुछो कदर की है। सानू सिखी मिल गई ना पक्की पकाई, जमदियां ही सिखी दे घर जन्म मिल गया, कदर नहीं है सानू। कई सिखां दे बच्चे दस्तारा ला ला टोपियां पाई फिरदे, ऐसे ऐसे मैनू मिलदे, क्योंकि लाइन इस तरह की मिली, एक सहजधारी बच्चा मिलिया, अखां भरियां ते मैनू कहिंदा रो के, कहिंदा वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं क्या फतेह, सहजधारी बच्चा सी, थोड़ा थोड़ा दाड़ा मूँह ते रुमाल बंधिया होए, उहदी अखां भर गईयां ते मेरे गले नाल लग के ना बहुत रोया, मेरे कलेजे नाल लग के बहुत रोया। तो मैं क्या क्यों रो रहे हो वीर जी, सब सुख ते है। कहिंदा वीर जी मेरी ना अरदास करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। मैं क्या पता नहीं कोई घर टेंशन होएगी, कोई मुसीबत होएगी, कोई बीमारी होएगी, ये अरदास करवानी होएगी। तुसी सुन के हैरान होवोगे, सहजधारी बच्चा, अखां भरियां रुमाल बंधिया, थोड़ा थोड़ा दाड़ा मूँह ते, जदों उहने पहले फतेह बुलाई तो मेरी आंदरां बड़ियां खुश होईयां। मैं क्या कई सिख बच्चे फतेह बुलाउण नूं शर्म करदे ने, तू सहजधारी हो के फतेह बुलाई। दूसरी गल उहने कही, वीर जी मेरी ना अरदास करो। मैं अपने दिमाग नाल सोचिया कोई मुश्किल होएगी घर, कोई टेंशन होएगी, कोई बीमारी होएगी। मैं क्या की अरदास करां, कहिंदा अरदास करो कि गुरु गोबिंद सिंह इसे जन्म च मैनू सिखी बख्श देण। मेरी अखां भर गईयां, मैं क्या वेखो, जिन्हां नूं पक्की पकाईयां मिलियां, उह लाल लाल टोपियां पाई फिरदे ने। इहनूं पुछो जिहड़ा तरसदा पिया, इहनूं पुछो ते मैनूं जिहड़ी महापुरशां वल्लों समत। मैं उहनूं कहा, बेटा तू एक काम कर, अपने नितनेम तों इलावा ना एक पाठ जपजी साहिब रोज़ करिया कर।
महाराज जी मेहर करनगे समा छेती ले आउणगे। कहिंदा वीर जी लड़ झगड़ के हुणे दस्तार सजावां ते हुणे सजा सकदा, पर मैं चाहुंना कि कोई ऐसी विद बने कि मेरे घर वालियां दी सारी सहमति होवे। शर्मा परिवार है, पंडित परिवार है। कहिंदे वीर जी कोई ऐसी जुगत होवे कि घर वालियां दी सहमति नाल कलेश पा के ते हुणे सजा लवां, पर कलेश करके सजावां ऐसी सिखी दा भी की लाभ, ऐसी सिखी दा भी की लाभ कि मेरे करके कईयां दा हिरदा टुट जे। मैं कहा बेटा फिर तो एको ही रस्ता है, एक पाठ जपजी साहब अपने नितनेम तो लायदा करिया कर, महाराज ना समा छेती लियाउणगे। अगली गल जिहड़ी उहने कही ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता है कि असी तो पांच बाणियां पढ़ के चोड़े होए फिरदे हां सवेरे सवेरे जी, असी तो सेखां पांच बाणियां पढ़ लई। मैं कहा बेटा अपने नितनेम तो इलावा एक पाठ जपजी साहब रोज करिया कर, महाराज समा छेती लियाउणगे। रो के कहिंदा पच्ची पाठ जपजी साहब अपने नितनेम तो लैदा करदा वीर जी, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो किन्नी तड़फ होएगी, असी पांच बाणियां पढ़ के चोड़े होने जी, कर लिया नितनेम, कर लिया नितनेम, जिवें फॉर्मैलिटी पूरी कर ली, नहांदिया जपजी साहब हो गया, बैठदियां बैठदियां कपड़े बदलदियां जाप साहब हो गए। देखो उन्हू वेखो किन्नी तड़फ होएगी। कहिंदा वीर जी पच्ची पाठ जपजी साहब रोज करदा कि महाराज जी कृपा कर दिओ, इसे जन्म च मैनू सिखी बख्श दिओ, मेरे सर ते सोहनी दस्तार होवे ते मेरी अखां भर गईआं। मैं कहा यार मैं तेनू की कहां, मैं ते तेरे तो बड़ा नीवा हाँ, मैं ते तेरे तो बहुत थले हाँ, तू जिन्ना को नेम करदा मैं तेरी बराबरी किवें करां। अज ओदी तड़फ ऐसी पूरी होई, ऐसी तड़फ पूरी होई, इन्ना सोहना दुमाला सजांदा, इन्ना लंबा दाड़ा सिंह दा, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। व्याह हो गया, वोटी भी सिंगणी आ, सोहनी दस्तार सजांदी, अगो धी होई, धी ने भी दस्तार सजाई होई। मैं क्या वेखो सच्चे पातशाह कृपा कर दे, जिन्हू तरसना पैंदा ना, जिन्हू आप मेहनत करके लैनी पैंदी, ओनू कदर होंदी, नहीं तो बहुत औखा जे कम, रोली जाने रोली जानी। कई बार चीज सौखी मिल जाए ना तो कदर नहीं होंगी बंदे, श्वासों की कदर किनू पुछोगे तुम, जिन्हों सौखे आ रहे ने वह की दसेगा श्वास की होंगे ने। श्वासों की कदर कीमत उन्होंने पुछो जे वेंटीलेटर च पे एक एक श्वास को तरसते पे, वह दसणगे कि श्वासों का की मुल है। एक बंदा पै गया 70 साल की उम्र, 70 करोड़ कमाए उन्हें सारी जिंदगी ठगियां करके बेईमानियां करके, 70 करोड़ कमाए ते 70 साल का बुजुर्ग अखीरली स्टेज पर पिया वेंटीलेटर पर पिया, तो एक श्वास बड़ा औखा आउंदा। इशारा किया बच्चों को, कहिंदा डॉक्टरों को कह दो मैं सारी जिंदगी आज 70 साल की उम्र हो गई वेंटीलेटर च पिया, 35 करोड़ डॉक्टरों दिते, इन्हों को मैनू कुछ दिन दे श्वास दे देन। जदों बच्चों ने गल की तो डॉक्टर कहिंदे की किया तुसी, कहिंदे साडा बापू कहिंदा 70 करोड़ की जायदाद कमाई, 35 करोड़ तुहाडे, कुछ श्वास मुल दे दिओ। अगों डॉक्टर कहण लगे भाईया जी नू को भावें 70 दे 70 दे देन, असी एक श्वास नहीं दे सकते। ओदा धनवाद करया करो जिहड़ा 24,000 रोज दिंदा, नाले लैंदा कुछ नहीं, कदी को सवाल सफले कीते। सारा दिन गांधी बोलदे रहिंदे, सारा दिन बेलोड़े बोल, चबड़ 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 मसा ही चुप कराने, चुप हो जा यार हुण। कदी रसना तो जप भी लै जिन्हें इन्ने सोहनी रसना, इन्ने सोहने सवास दिते, कदी जप भी लै उहनू, की पता जपद्या जपद्या दी गड्डी स्टार्ट ही हो जाए। ओ सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु। ए
यही धन है, यही धन जे जोड़ जाओगे ना, असी चले भी जाएंगे ना, ये जे तुसी दिलों जपोगे, दिलों जोड़ के जाओगे, असी चले भी जाएंगे, एदा ब्याज साडे बच्चे भी खाणगे। सच्ची मुची ये धन नाश नहीं जे होंदा। एक जगह गुरु अर्जन देव पातशाह का शब्द है, जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खे, पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए ने, मेरे मन नाम नित नित ले, जलत नाही अगन सागर सूख मन तन दे, बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ए। कहिंदे तेरे काम आएगा महाराज, कहिंदे असी तत दी विचार तेनू दे चले आ, कुछ भी तेरे नाल नहीं चलेगा, आ तेरा जपया होया तेरे नाल जरूर जाए, जिथे तेरी मां तेरा बाप तेरे भैन भरा तेरे रिश्तेदार मित्र तेरे नाल नहीं खलोणगे, उथे तेरा जपया होया तेनू छुटकारा दवाए, जिथे अवगट गलियां भीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए। बाणी दा फैसला है, जिथे कोई तेरे नाल नहीं तुरेगा उथे तेरा जपया होया तेरे नाल जाए। आलस ना करिया कर, जिसका दिया पैने खाए तिस्यों आलस क्यों बने माए। सारे कमां नू तगड़ा है, बस नाम जपण नू ढिल्ला है, सारो दिन समजूरी करे थकदा नहीं, अठ अठ घंटे दुकाना ते बिठा लो, नोट आई जान ते कहिंदा रात नू भी दुकान खोलण नू तैयार हां मैं ते, छोड़ जाए तिसका श्रम करे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे जिहड़ियां चीजां छड़ जानी, जिहड़ी जायदाद छड़ जानी, उहदे लई खोतियां दी तरह मेहनत करदा, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जिन्हें नाल होना सी कहिंदे उहदे तो पिछे पिछे भजदा है। कह दो सही आ जा फोन करके, बई गुरुद्वारे प्रोग्राम अज आ नितनेम करिए, आ जा संगत कर ले, कहिंदा टाइम नहीं है मेरे कोल। बच्चे भी फोन करते, पापा आ जाओ छेती अज ते गुरुद्वारे प्रोग्राम, झाड़ मार देता कहिंदा मुड़ के फोन ना करो, मैं बिजी हाँ, मैनू फोन ना करो। बच्चे बेचारे डरते रोंदे रोंदे सो जाते, वोटी फोन नहीं करती कि गुस्सा मैनू ना काट देन किथे। याद रखी अज तेरे बच्चे तेनू फोन करके कहिंदे पापा आ जाओ संगत च चलीए, पर तेनू माया का भूत चढ़िया, झाड़ मार दिंदा कहिंदा मैनू फोन ना करो, मेरे को टाइम नहीं। एक समा आएगा जदों तू बच्चियां लई तरसेंगा, बच्चे कहणगे बापू अज साडे कोल टाइम नहीं। अज बच्चे तरसते की होया, घंटा छेती दुकान वधा लै। मैं कहना बच्चियां नू जोड़ जाओगे ना, करोड़ां दे जाओ बच्चियां नू, अरबां खरबां दे जाओ बच्चियां नू, जे बच्चे पुठे पासे पै गए तू कुछ भी ना दे के गया औलाद नू। एक बच्चियां नू नितनेम नाल जोड़ जा, चंगी संगत चे ला जा, सेवा ला जा बच्चियां नू। आ टाणियां छोटियां छोटी ने, जिहड़े मर्जी पासे लाएगा यह मुड़ जाणगियां। यही टाणियां जदों टाण बन जांदियां उदों मुड़दियां नहीं, आरा लैके कटणियां बहिंदी। ला जा इन्हां नू, तू मर भी जाएगा तेरी फोटो नू वेख के रोया करनगे, जे साडा बापू झिड़का ना मारदा सानू कित्थे नितनेम चेते होणा सी, जे साडा बापू साडी बांह फड़ के ना सानू लाउंदा ते अज रुलदे फिरदे होणा सी असीं। आ धन जे असली, अज तू झिड़का मारदा मेरे को टाइम नहीं, मैनू फोन ना करो, माया का भूत चढ़िया होया। जदों सब कुछ खा पी के हंडा के पै जाएगा मंजे ते, तू तरसेगा मेरे बच्चे मेरे कोल बैठण, कहणगे बापू अज साडे कोल टाइम नहीं, असी बिजी हाँ। क्योंकि जैसा बीजेगा वडेगा मना मेरे आ, फल तेरे कर्मा दा, जैसा बीजेगा वडेगा मना मेरे आ, फल तेरे कर्मा दा। सच्ची मुची जिहो जे बीज बीजे ने ओह जे फल मिलने, जे वंडे ही दुख ने फिर सुख किवें मिलणगे, दुख ही आउणगे ब्याज समेत। जे सुख वंडे ने खुशियां वंडियां ने फिर खुशियां ही परत के आउणगी।
खोद खोद के मूसा मर गया मौज लई पुजंगे ने, सिंच सिंच के माली मर गया मौज लई पवरंगे ने, जोड़ जोड़ के सू मर गया मौज लई वरतंगे ने, खप खप के दुनिया मर गई मौज लई सतसंगे ने। असली आनंद वो लेंदे जेड़े संगत करदे ते फैसला करदे यार मना छड़, जेड़ी चीज ने नाल नहीं निभना उहने लई सारी जिंदगी खोतियां लई मेहनत करदे। आज जिन्हें नाल जाना उहदे लई भी थोड़ा समा कढ़ी, रोटी ते सजना उहने देनी भुखा नहीं मारना तेनू, पत्थरां च पए कीड़िया नू जिहड़ा रोटी देंदा तेनू नहीं देगा, पत्थरां च पए कीड़िया नू जिहड़ा रिजक देंदा तेनू नहीं देगा। पर साडियां उडारियां बहुत उचियां हो गई, जब गरीबी थी तब मस्ती थी बेशक ना मेरी हस्ती थी, थोड़ा बहुत कमाउंदे सी खिच सी चल यार संगत करांगे नाम जपांगे नितनेम करांगे, बड़ा आदमी बन जा बड़ा आदमी बन जा बन जा बन जा बड़ा आदमी बन जा हस्ती बन जा, कर कर थाके वड्डे वडेरे किन ही ना किए काज माया पूरे, लोन चुकदा किस्तां भरिया नहीं जांदियां, गुरु घर बैठिया भी मुरझाया रहिंदा, टेंशन आई ने सवेरे किस्त लगनी पैसे ते है नहीं कौन जे, हुण किनू टोपी लावां आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, किन्ने कहा सी हस्ती बनन वास्ते, मेरे गुआंढी ने कोठी पा ली मेरे भरा ने पा ली, बस उहनू वेख वेख के सड़ी जांदा, दूसरे दे घर वेख के अपने घर नू तीली लाती, इन्ना टेंशना च भर गया हुण किस्तां भरियां नहीं जांदियां, बोझ सरते ने एक दी टोपी दूसरे ते दूसरे दी टोपी तीसरे ते, पहले एक परसेंट ते ब्याज चुकिया उहदा समा हो गया फिर उहनू देण वास्ते दो परसेंट ते चुके, कई ते एवें ही लुड़के ने कई ते एवें ही मरे ने, पांच पांच परसेंट ब्याज चक्करवर्ती ब्याज ते पैसा चुक चुक के टोपियां घुमा घुमा के, किन्ने कहा सी तेनू इन्ना कुछ अपने आप नू फसाउण वास्ते, रोटी दी गल सी ते सजना उन्हें भुखा नहीं सी मारना, काहे रे मन चितवै उदम जा आखर हर जियो परिया, सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर दरिया, पत्थरां च पीड़े कीड़े बोलते ने कोई दसो, मालक उन्हां दा भी इंतजाम करी बैठा, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे, पछ पशु नग नाग नरादव सर्व समय सबको प्रतपारे, पोखत हैं जल में थल में पल में कल के नहीं करम विचारे, दीन दयाल दया निध दोखन देखत हैं पर देत ना, फस जा फिर हस्ती बन ना सकिया, मस्ती हस्ती बनन दे चक्कर च बुड़ गई, हुण विच्चे लटकिया होया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हस्ती बन ना सकिया क्योंकि कर कर थाके वड्डे वडेरे किनी ही ना किए काज मारा पूरे, हस्ती बनन दे चक्कर च मस्ती पहले ही गवाती सी हुण विच्चे लटकिया होए, जब गरीबी थी तब मस्ती थी बेशक ना मेरी हस्ती थी, जब शौहरत पैसा पास आए मैं इन दोनों का हो बैठा, हस्ती बनने के चक्कर में मैं मस्ती अपनी खो बैठा। हुण ते अरदास कर महाराज कोई बेद बनाउण, गुरु पातशाह कहंदे गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव देवते तरस दे तेरी वर्गी देही नूं, उहनां नूं शरीर नहीं मिलिया तेरे वर्गा, तेरे मूँह वल तकदे आ कि रब्बा सानू भी इहो जिहा शरीर दे असी भी संगत च बैठीए जपीए ते अपना पार उतारा कराईए, वह भी तरसदे इहो जिहे शरीर नूं, पशु पंछी तेरे मूँह वल तकदे, पशुआं नूं शरीर मिलिया तेरी वर्गी सुरत नहीं मिली, तेरे वर्गा दिमाग नहीं मिलिया, तेरे वर्गी तार नहीं मिली जो तू परमात्मा नाल जोड़ सकदा उह नहीं जोड़ सकदे, पशुआं नूं शरीर मिलिया तेरे वर्गी सुरत नहीं मिली, देवतियां नूं सुरत तेथों उच्ची मिली पर तेरे वर्गा शरीर नहीं मिलिया, दोनों तेरे मूंह वल तक दे पर तू किन्ने भागां वल है, तेनू दोनों चीज़ां दित्तियां परमात्मा ने पर बदकिस्मती तू दूसरे पासे रोलती, इस पासे ध्यान ही ना कीता, जदों इस पासे दा ध्यान आया उदों जम डंडा लैके खड़ा सी, चलो सरदार जी हुण टाइम नहीं है ना, हुण ते समझ लगी मैनू, कहिंदे हुण समझ लगी पर हुण समा पूरा हो गया, कहो कबीर तब ही नर जागे,
जम का डंड मूंड में लागे। सारी जिंदगी नहीं जागदा उदो जागदा जदो जम कहिंदा चलो हुण हिसाब किताब होएगा। फिर रोंदा कहिंदा सब कुछ छड़ के जाना पएगा। कहिंदे हां जाना पएगा। नंगा आया सी नंगा ही जाना पएगा। चंगे मंदे कर्मां दी पूंजी लेके आया सी ओही नाल लेके जाएगा सजना। होर कुछ नाल नहीं जाना तेरे। इस करके कोशिश करो जितने को महाराज ने सवास बख्शे। असी रकाबगंज साहब तो ना जमुना पार कीर्तन सी ते समाप्ति होई। सुभाष नगर जदों जमुना पार तो अपने घर जाइए तो रकाबगंज साहब विचे पैंदा। साढ़े बारह तो दो दा कीर्तन सी ते ढाई बजे तक उन्होंने लंगर पानी छकाया सी। तीन बजे निकले तो चार तो पांच ना कोई भोग का प्रोग्राम हो रहा सी रकाबगंज साहब। असी क्या चल मत्था टेकते जाइए। मत्था की टेकना सी गड्डियां इनिया गड्डियां ते छड़ो गड्डियां ते गिननिया एक पासे गड्डियां खिलारण वाले नहीं सी गिने जांदे। इन्ने बंदे सी गड्डियां खिलारण वाले जिहड़े वैले पार्किंग होंदी। तो मैं क्या कोई वी आई पी बंदे का भोग पै रहे अंदर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कोई वी आई पी बंदे ने चढ़ाई की भोग हो रहा इन्ने बंदे ते गड्डियां खिलारण वाले। मैं एक नूं पुछया मैं क्या कोई स्पैशल बंदा कहिंदा वीर जी अगे वेख लो फोटो पई होई। मैं जदों अगे हो के वेख्या तो 25-26 साल का नौजवान बच्चा चढ़ाई कर गए। आ गबरू इन्ना हैंडसम इन्ना सोहना समार्ट बच्चा 26 साल का। वो फोटो च कोट पाया होया टाई पाई इन्ना लाली उहदे चेहरे च। तो मैं अपने दिमाग नाल सोचया मैं क्या कोई बीमारी बीमारी होनी इन्नी छोटी उम्र च चलिया गया। ओदी मां नूं मैं पुछया मैं कह जी नूं की होया सी। कहिंदे कुछ भी नहीं सवेरे 5 बजे रोज़ जिम जांदा रात नूं मैनूं रोटी खा के कह के सुता मम्मी सवेरे 4 बजे उठा दे मैनूं घंटा पहले जाना। मैं कह फिर कहिंदे सवेरे 4 बजे दी हिलांदी पई हां उठदा ही नहीं पिया। राती चंगा भला सुता है सवेरे उठिया ही नहीं देख लो। जदों किसी नूं फूकण जाने ना अर्थी लैके जाने जदों शमशान घाट जदों उन्हूं फूक दें उस तो बाद की करते हैं असी सारे 16 साहब का पाठ करते। जदों सानू अमृत छकाया जाता तो 5 प्यारे कहिंदे सवेरे 5 बाणियां शामी रहरा साहब राती सौण लग्या सोहले साहब का पाठ करके सोया करो। मैं पुछया सिंगा नूं मैं क्यों कहिंदे रात नूं अपना सोहला आप पढ़ के सोवो पता नहीं सवेरे अख खोलनी है कि नहीं खोलनी। अपना सोहला ही आप पढ़ के सोवो वेखो सवेरे पता नहीं खुलनी कि नहीं खुलनी। इन्ना बटोर के बैठे हैं इन्ना बटोर के बैठे हैं साढ़े त्रैमन देहुरी चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वत असूनी मन। किनिया लंबिया सा लालियां परे पता ही नहीं सी मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे पन। तिना प्यारियां भाइया अगे दिता ओ वेखो बंदा चलिया चौजनिया दे कन बोलो वेखो बंदा चलिया करन सब दियां लंबियां उमरां होण मेरे समेत। पर झूठा दिलासा एक वारी सीन बनाओ किहो जिहा होएगा जिवें कईआं दी अर्थी जांदी तू वेखी एक दिन तेरी भी ते जाएगी। मूँह नहीं मोड़ सकदे नहीं मोड़िया जा सकदा मूँह। जिवें कईआं नूं जांदिआं वेख्या ना चार बंदे चुक के लै जा रहे ने इस तरह अपना सीन बना एक दिन तेनूं भी चुक के लै जाणगे। जिवें कईआं नूं सड़दा वेख्या ना तू अपना सीन बना एक दिन तू भी सड़ेगा फिर दुनिया तेनों भी वेखेगी। सीन बनाओ बड़ा स्वाद आउंदा जे। डरना नहीं मौत तो चेते रखना कल कल करदे आ सजना कल नहीं आउणी एक दिन जिंदगी च जो करना होने कर। अज ही फैसला कर मैं नितनेम शुरू करूँ हुण इत्थे समा थोड़ा घट दऊं हुण सेवा वाले पासे ज़्यादा दऊं जिहड़ी जायदाद मेरे नाल जानी। बस ये समागम किते सबले समझ लो मैं पुछो तो सही जिन्हें प्रोग्राम बुक कराया इन्ने फोन चलो डेट पक्की हो गई। फिर दिल्ली आया सेंग
समागम अटेंड किया, फिर याद दवाया। मैं क्या यार तुहाडे पिछली बार आया सी ते साउंड का स्वाद नहीं आया, तो कहिंदे कोई नहीं वीर जी तुसीं अपना साउंड ले आओ। मैंने हर चीज़ से समागम कराने वाले नूं पुछो किन्नी टेंशन जी होंदी, किस लई कोई अपनी वाहवा बल्ले बल्ले करन वास्ते थोड़ी, एक नूं भी चिंगारी लग जे, एक भी टुट्टा जुड़ जे, एक दा भी नितनेम शुरू हो जाए, एक दी आंदरां नूं चैन मिल जाए, समझ लो समागम कीते सफले हो गए। यही मनोरथ होंदा, होर की होंदा। पक्की पकाई मिल रही है तो लाहा ले लो, लाहा ले लो जिन्ना ले सकते हो। इस कान तो सुन के इस कान तो कड़ी जाओगे फिर पछतावा रह जाएगा हाथ च, फिर पछतावा रह जाएगा हाथ च। इन्ना कुछ सुनिया, इन्ना कुछ सुनिया, बदकिस्मती अज खाली हाथ चले। जान बूझ के बाबरे गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे बंदा हुंदा है जिन्हों समझ नहीं होंदी, पर इन्हों सारी समझ है। जान बूझ के बाबरे तैं काज बिगाड़े। गरीब निवाज कृपा करन सानू सारिआं नू मेरे समेत कोई ऐसी चिंगारी लाउण के नितनेम पक्का होवे। साडा नितनेम ने तेरी बाह फड़नी। दो ही गल्लां लिखियां गुरु ग्रंथ साहब च, एक ओ जिहड़े सारी जिंदगी अपनी मन दीआं मर्जियां करदे, गुरु दे आखे नहीं लगते, पुठे काम करते है, उन्हां दी बाबत लिखिया, जो जम आए केस गए पट के ता दिन किछ ना वसाएगा। जदों जम आउंदे उन्हां नूं लैण वास्ते ते केसां तो फड़दे ते पटकियां देंदे लै जांदे, जिवें तू कईआं नूं पटकियां दिंदियां ने। ते दूसरिआं दी बाबत लिखिया, जिहड़े सारी जिंदगी गुरु दे पै च रहिंदे, माया होणी माणी नहीं बेशुमार होवे, राजा महाराजा होवे तू, महाराजा रणजीत सिंह वर्गा तेरा राज होवे, पर मन गुरु रामदास दे चरणा च होवे। बड़ियां बड़ियां गड्डियां होण तेरे कोल, पर गड्डियां दे होंदे माण ना होवे। संगत दी सेवा वास्ते हर वेले तैयार, फिर माड़ी नहीं। कोठी होवे तेरे बंगले होण, पर कोठियां नूं वेख के चौड़ा ना होवे। मन च तेरे यही होवे, मेरे तो पहले भी मेरा प्यो रहिंदा सी, उह चलिया गया तो मैं भी चलिया जाना एक दिन। बस मेहमान परौणे बन के रहना, फिर माड़ा नहीं कुछ भी, फिर माड़ा नहीं कुछ भी। सात संगत जी बेशुमार दौलत होवे, बेशुमार रहमतां होण, पर माण ना होवे। बस संगत विच आके चीज धोती जावे साडी। दूसरियां दी बाबत लिखिया, भगवंत भगत को पौ किश नाहीं, आदर देवत जाम। जिहड़े जम मारदे कुटदे कहिंदे जपण वालियां दे अगे हथ जोड़ के खड़े होंदे, कहिंदे जी आयां नूं, जिवें संसार च भला करके आए हो, इत्थे पिट दे स्यापे जिहड़े करदे नरकां च पए, इन्हां दा भी भला कर दिओ। आ गए उडीकदे उत्थे भी उडीकदे जपण वालियां नूं। राजा जनक गया वैसे ही गेड़ा देण वास्ते, भाई गुरदास साहब लिखते, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। एक दिन मन च आया देवलोक का गेड़ा दे के आवां, देवलोक नूं चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। कहिंदे उधर वेखिया ते नरकां च पए कुरलारे सी, जिन्हां ने माड़े पुठे काम कीते। कहिंदे जमपुर गया पुकार सुन, बिल लावण जी नरक निवासी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ वेखो ना तुसी, हस्पताल है ना, हस्पताल च मरीज भी जांदा ते डॉक्टर भी जांदा, दोनों दे जाण दा फर्क है ना। मरीज जांदा अपना इलाज कराउण वास्ते, ते उस हस्पताल च डॉक्टर जांदा ओ जांदा इलाज करन वास्ते। जिहड़े जपण वाले हुंदे ना इलाज करन वास्ते आउंदे, कईआं नूं सिद्धा कर जांदे, कईआं नूं ठीक कर जांदे, कई टुट्टिआं नूं जोड़ जांदे। जदों इत्थों जांदे कूच करदे ते अगे भी इहनां दी उडीकां हुंदियां, जपण वाला आ रिहा जे तरले पायो उहनां दे अगे, उहनां दी नज़र पै जाएगी ते असीं बख्शे जावांगे। सच्ची मुची, सच्ची मुची, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। तू नहीं तरदा तेरियां कुलां भी तर जांदियां जे दिलों लगदा ते। कहिंदे जमपुर गया पुकार सुन, विल लावण जी नरक निवासी। तड़फ रहे सी सारे, सारे तरस दी अख नाल देख रहे सी राजे जनक वल, ते कहिंदे सी छुटकारा करा दे भगता साडा। पर जपण वाले दी इन्नी पावर सी, धर्म राय नूं आखे उन
सबना दी कर बंद खलासी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो जिस धर्मराज दे दूतां तो सारे डरदे, जपण वाला धर्मराज नूं कहिंदा कहिंदा ओ गल सुन, सारिआं दी छुट्टी कर दे, सारिआं नूं छोड़ दे। धर्मराज नूं आखिओन सबना दी कर बंद खलासी, जदों इन्नी गल कही ते करे बेनती धर्मराय, हों सेवक ठाकुर अवनासी। वह बेनती करता कहता भगत जी मैं तो सेवक हाँ, मालक तो कोई होर है जिदे हुक्म च मैं बैठा, इन्हों सजावा देनी है। कहता कोई सजा नहीं देनी हूँ इन्हों, कोई सजा नहीं देनी इन्हों, केंद्र इन्हों की छुट्टी कर दे। गहने धरेउन एक नाओ पापा नाल करे निरजासी, एक छाबे चे तराजू जे सारिया के पाप इकट्ठे करके पाते, एक छाबे चे कुछ घड़ी का सिमरन पाता राजे जनक ने। उन उठे ही ना, वो भारा सी ना, जपण वाले की कमाई बहुत वड्डी होंदी। पासंग पाप ना पुजनी, गुरमुख नाओ अतुल ना तुलासी, कहंदे नरको छुट्टे जी जंत कट्टी गलो सिलक जम फासी, मुक्त जुगत नावे दी दासी। नरक खाली कराते सी जपण वाले ने, इस करके भाई जिहड़े नाम जपणगे वह भी पछताउणगे, जिहड़े नहीं जपणगे वह भी पछताउणगे। भाई बाबा जी समझ नहीं लगी, जिहड़े नहीं जपणगे वह तो पछताउणगे, छित्तर पैणगे, मारां पैणगियां, पुठे टंगे जाणगे, समझ लगती है। पर तुसीं कह रहे हो जिहड़े जपणगे वह भी पछताउणगे, कहिंदे हाँ जिहड़े नहीं जपणगे जदों मारां पैणगियां, छित्तर पैणगियां, कुट्टां पैणगियां, पुठे टंगे जाणगे उते तां पछताउणगे कि जप के क्यों नहीं आए जी। जिहड़े जपणगे वह भी पछताउणगे, समझ नहीं लगी। कहिंदे जिहड़े जप के जाणगे जदों धर्मराज भी खड़ा होकर उन्हां दा सत्कार करेगा, परमात्मा भी कहेगा आओ बैठो मेरे बच्चों, जिवें उधर आनंद लिया जे इधर भी आनंद लो, फुलां दी वरखा होणगियां। उदों पछताउणगे जे जपण वाले नूं इन्ना सत्कार मिलदा, असीं थोड़ा क्यों जप के आए, बहुता क्यों ना जप के आए। इस करके भाई जिन्ना कु तगड़ा नितनेम होवे साडा, काम कार भी करो, ये नहीं कि काम कार नहीं करने। काम कार करद्या भी नामा कहे तिर लोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन। किन्ना सौखा रस्ता है, बीबी रोटी बनावे घर, आटा गुंदे, सतना वाहिगुरू करे, बस ये सिमरन हो गया। इस तरह जदों चकले चे पेड़ा बेले ते सतना वाहिगुरू करे, फुलका पावे तवे ते सतना वाहिगुरू करे, सब्जी बनावे सतना वाहिगुरू करे, दिहाड़ी च दो बारी रोटी बनांदी, तेरा किन्ना सिमरन हो गया। बड़ी गल ये कृपा वरतेगी जदों उस बनाई रोटी नू तेरे बच्चे खाणगे, कदी पुठे पासे नहीं जाणगे। जदों तेरी बनाई, अजकल तो बेड़ा रुड़िया होया, रसोईयां च टैलीविजन लगे हुए ने, रसोईयां च टैलीविजन लगे हुए ने, जिवें वह नाटक च वेखते ने सस नूं नूं कुट रही है, वह खुश होई जांदी नूं, कहिंदे मैं भी कुट्टांगी इसे तरह ही। वह पै जांदा जो फिर गंद वेख के रोटी बनती, उही बच्चियां दे पति दे अंदर जांदा, फिर जैसा अन वैसा मन। बाबा तर सिंह जी मंजा डा के बैठे सी, ते कोई बुजुर्ग आया सैकल ते, कहिंदा बाबा जी सिमरन करन दी जुगती दसो। बाबा तर सिंह जी मस्तवाणा साहब वाले कहन लगे बुजुर्गा हुणे सैकल चला के आया ना तू, कहिंदा जी हाँ, कहिंदे हुण चला के जाएगा ना, जदों खब्बे पैर तो पेंडल मारे कई सतनाम, जदों सज्जे पैर तो पेंडल मारे कई वाहिगुरु, कल आके मैनू दसी। वह कहिंदा यही जुगती, जदों उन्हें वापसी सैकल चला के घर गया तो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, इन्ना आनंद आया उन्हूं, इन्ना आनंद आया कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च पहुँच गए। इन्नी गल दे नाल ही वेखो, कोई बोते चक्करां च पैण की लोड़ नहीं, कुछ भी नहीं आउंदा करना, ये तो करना आउंदा ना, जिथे बैठो बस ओ सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहे गुरु 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 सतनाम
ਗੁਰੂ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲੀ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, 50 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਮੰਜੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਬਾ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਬ ਜਰ ਪਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਵੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੂਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਸੇ ਖਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਰੋਲੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪਠੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ, 3-3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 12 ਤੋਂ 1:30 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੈਟਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸਕੈਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਲਿਫਾਫੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਲਈ, ਉਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਹ 10 ਲਿਫਾਫੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਕੈਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ BP ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2,00,000 ਕੱਢ ਕੇ 10 ਲਿਫਾਫੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਰੁਪਏ ਲਈ ਤਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ 2-2 ਰੁਪਏ ਲਈ ਤਰਸਾਇਆ,
जान तो बाद 2 लाख कट रहे हैं। कहिंदा वीर जी मेरा मन करता छित्तर मारा इनू। बाबा नानक छित्तर नहीं मारे, वो जींदियां नू तुसी 2-2 रुपए ले तरसाओ ते जान तो बाद 2 लाख कट दो, लख लानत है। कदी जींदियां कोल भी बह जाओ, कदी जींदियां दी भी असीसां ले लो। किन्नियां असीसां देगी वो, किन्ना बाप तेनू असीसां देगा जे जींदियां नू सांभोगे ते। जदों तू मात लोक च आया ना पहला सां लिया, जदों जदों पहली बार तेरी अख खुली, तेरी माँ तेरे कोल सी। माँ ने जन्म देना हुंदा माँ ते कोल ही होंदी। बाप दी भी कोशिश होंदी है कि इस समय मैं भी कोल होवां। जदों तू संसार च आया पहली सां लई, तेरी माँ तेरा बाप तेरे कोल सी। अज अरदास कर जी जदों उन्हां दी अखीरली सां होवे मैं उन्हां कोल ही होवां। अज अरदास कर दें कि जो उन्हां दी अखीरली सां होवे मैं उन्हां कोल होवां, मेरा फर्ज निभ जावे। ये ना होवे कि मेरिया करतूतां करके बिरद आश्रम च बैठे हों। महाराज मेहर करन सच्चे पातशाह। भाई वीर सिंह जी लिखते कहिंदे अखीरले पड़ाव ते पड़िया होया, कोई भी उहदे नेड़े तेड़े नहीं, 2 शरीरां नूं उहने कोल बुला के ते मेरे कोल भेजे। कहिंदे संदेशा भेजिया कि भाई साहब नूं जाके कहो मैं तुहाडा बचपन दा मित्र हाँ, अज मेरी हालत बहुत माड़ी है, मैं नरक भोग रहा जींदियां जी। भाई साहब तुसी एक बारी मैनू आके मिलो, तुहानू बचपन की दोस्ती का वास्ता। भाई साहब कहिंदे मैं चलिया गया, मैं जदों गया तो मैं वेख्या कहिंदे वो मेरा दोस्त जींदियां जी नरक भोग रहा सी, मंजे ते पिया होया, सब कुछ किरिया मंजे ते हो रही, कोई उहदे नेड़े तेड़े नहीं, हाए हाए करदा सी। कहिंदे मैनू वेख के ना मेरा मित्र रो पिया ते मैनू कहिंदा भाई साहब तुसी बख्शी रूह हो, मैं सारी जिंदगी बड़े गुनाह कीते पर मेरा भी की दोष है, मेरे माड़े कर्म इस तरह दे आए कि मैनू पुठी संगत हो गई। तुहाडे नाल बचपन बिताया, नाम जपया, भाई साहब तुहानू बचपन की दोस्ती का वास्ता, मेरी अरदास करो कि मैं बख्शिया जावां। भाई साहब कहिंदे मैं उन्हूं कह के आ गया, तू जिन्ने भी सवास तेरे कोल बाकी ने तू हाए हाए ना कर, तू सतनाम वाहिगुरु करिया कर, जितने भी सवास तेरे कोल ना तू हाए हाए ना कर, हुण तू सतनाम वाहिगुरु कर, जे गुरु नानक चाहेगा तेनू बख्श देगा। उन्हें भी जेड़ा भाई साहब कहिंदे उन्हें संभाल ली ये गल, हुण हाए हाए नहीं सी करदा, वो मंजे ते पिया पिया वो सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। एक बारी मैं संगत की आवाज सुननी है, दास नाल जत्था बोलो, मगरे संगत बोलो, कैमरा घुमाई सारे पासे, वे कौन कौन बोलता कौन नहीं बोलता। अपने बच्चों के भले लई बोलियो, तुसी संगत विच बोले आ गुरु नानक साहब छेती थाएं प्रवान कर दे। दास नाल जत्था बोलियो, मगरे सारी संगत बोलियो, ओ सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, शाबाश, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, आहा सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, आहा। मन ते करदा जपी चलीए पर समय दी अपनी सीना, तुसी ते नेड़े तेड़े हो चले जाओगे घरां नूं, असी जाना दिल्ली। जदों मन च लालच हुंदी तुहाडी जिन्नी असीस मिल जाए सानू। भाई साहब कहिंदे मैं कह के आ गया, कहिंदे ठीक 2 दिनां बाद राती 1:25 भाई साहब वीर सिंह लिखते कहिंदे मैं सुत्ता, मैनूं सुपना आया। कहिंदे सुपने च मैं की देख रहा, जिस मित्र नूं मैं परसों मिल के आया जिहड़ा हाए हाए करदा सी,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 1:25 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਕੌਰ ਮਿਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ 1:25 'ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲਾਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 1:25 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਚੰਦ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਰਦੀ ਪਰਕਰਮਾ 'ਚ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਜੇ, ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਏ ਪਾਉਣ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਸਰਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੱਦਾ, ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਪੜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਓ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਮੇ ਕਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਾਹੋ, ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਜਪ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹੋਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏ ਕਿਉਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਪਰਵਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ ਸੁਣਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਅਰਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਅਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਯੁਸਿਆ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਕਾਰ ਸਭਾਗੇ ਹਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵੇ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਲੋਕ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਅਧੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਸੋਨਿਹਾ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਸ ਬਾਲ ਤਨ ਵੀਹ ਸਰਵਣ ਤੀਸਾਂ ਕ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ ਚਾਲੀ ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪੱਗ ਖਿਸੇ ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਅੱਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਨਵੇਂ ਕਾ ਸੇਜਾ ਸਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਪ ਬਲ ਟੰਡੋਲਮ ਢੁੰਡਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤੂੰ ਮੇ ਕਾ ਧੌਲ ਹਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਰੇ ਹੋਈ ਦਸ ਕਦੀ ਰੋ ਕਦੀ ਹੱਸ ਵਰੇ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋਬਨ ਚੜਿਆ ਕੀ
वरे होई ती दो चार हो गए जी, वरे होई चाली जिम्मेवारी खर्चियां दी पै गई पंजाली, वरे होई पंजा आण जाण दा पै गया फा, वरे होई सठ ते बाबे फड़िया लठ, वरे होई सत्तर ते बाबे दा दिमाग कत्तर बत्तर। ये मनमुखां ते लागू है, गुरमुखां ते नहीं। देखो जिंदगी किवें बीतती जाती, अगे अगे जप लांगे अगे तो समय ही नहीं मिलेगा, फसदा जाएगा। वरे होई सठ बाबे फड़िया लठ, वरे होई सत्तर बाबे दा दिमाग कत्तर बत्तर, वरे होई अस्सी बाबा मंगदा दुध पुत्तर ना देंदे लस्सी, वरे होई नब्बे बाबा बहुत कुछ कवे कोई ना फब्बे, वरे होई सौ आंढ़ी गुआढ़ी धी पुत्र रिश्तेदार मित्र कहण बाबा हुण ते मगरों लो, हुण ते खेड़ा छड़ इधर हो या उधर हो। तो इस करके ये ना समा वेखना पे, हुण ही तगड़े हो जाइए। जदों तुसी जवानी च नाम संभालदे हो तुहाडा बुढ़ेपा गुरु नानक संभालदा जी। बिरध भया उपर साख सहन, जदों बुढ़ा हो जाएगा सारे पुत्रां नूं धीआं नूं सुपने च आके कहेगा प्यो की सेवा करिया करो, इन्हें सारी जिंदगी मेरे कोल घाली है, रुलण थोड़ना देगा फिर। इस करके जे जवानी चे तुसी मोई नहीं लाओगे तुहाडे बच्चे तुहानूं सेहरा पाउणगे। तो इस करके भाई महाराज जी मेहर करन, असीं पता नहीं किहड़े शहर च गए, छे कीर्तन सी उत्थे, शुक्रवार सवेरे शाम, शनिवार सवेरे शाम, ऐतवार सवेरे शाम, तो सोमवार की साड़ी सवेरे फ्लाइट सी। एक परिवार खेड़े पै गया, भी जी सवेरे नाश्ता साढ़े घर करो, तुम उधरों तो एयरपोर्ट छड़ देंगे। मैं कहा जी चलो, बड़े खुश सी, छे दीवान बड़े चढ़ती कला विच होए, अमृत संचार भी होया। जो उस परिवार के घर सवेरे नाश्ता किया तो पुछना ही सी वीर जी अरदास की करवानी, अपने बुजुर्गों के कमरे च लै गए। मैं महाराज की हजूरी बैठा, कहिंदे इन्हां दी अरदास करनी, अपने बुजुर्गों नूं विखाया। 105 साल का बुजुर्ग 15 साल तो मंजे ते पिया होया, लोग वड्डियां उमरां मंगदे, मैं कि उन्हूं वेख के तो मेरी हालत ही खराब हो गई। इन्ना मासूम जिहा चेहरा, 105 साल का बुजुर्ग 15 साल तो मंजे ते पिया, तुसीं दसो की हालत होई। मैं पुछया, मैं कि इन्हां दी की अरदास करा। उन्हां दा वड्डा मुंडा कहिंदा अरदास करो साडा बाबा इधर होवे या उधर होवे। इस तरह मैं अरदास करन लग पिया तो मैनू कांचे कहिंदा, कहिंदा उधर दी करो इधर दी ना करो, होर करन भी की, कहिंदा उधर दी करो, मर गया ना सौंदा सारी रात ना सौण देंदा जी। ये भी गलो लाउणगे तेनू, शरीर ही तेरा नहीं, शरीर तो जाए हुए तेरे किवें हो सकते, सोच यही तेरा अपना बस, होर कोई तेरा अपना नहीं। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदे नाम के ना जपे सवेरा। एक तेरा जपया होया तेरे नाल जाएगा, तेरे हत्थी कीता होया दानपुर तेरे नाल जाएगा। बाकी पता नहीं उजाड़नगे की करनगे ते रब जाने, जो अपने हत्थी कर जाएगा, अपने हत्थी अपना आपे ही काज सवारी। बस अपने हत्थी अपना कम है। तो कई बार कहना अपना भोग का पाठ भी आप ही कर जो, ये जींदियां कोल नहीं बहिंदे, तुहाडे मरण तो बाद बैठणगे, ये तो फॉर्मैलिटियां करनगे, बाबे नूं निबेड़ो छेती छेती। अपने जींदियां दा अखंड पाठ आप ही कर जो, भाई साहब कोलों करा लो या सहज पाठ कर जो। ये तो नहीं होएगा ना मेरे मरण तो बाद किसी ने सहज पाठ कराया अखंड पाठ कराया कि नहीं। एक अंग रोज़ कर जो, जदों समाप्ति हो जाए तो मारन नूं कहो महाराज हुण कोई मलान नहीं, जदों मर्जी चुक लै। हुण ये जींदियां कोल नहीं बहिंदे, तो जाण तो बाद तुसीं की सोचदे हो तुहाडी आरती उतारणगे। ये जींदियां नूं बाप नूं कोल नहीं सीट ते बिठाणगे, जाण तो बाद अस्थियां नूं लैके कहणगे बापू दी सीट है। बड़े ड्रामे होंदे मरण तो बाद, फिर तुसीं वेखो की करदे। जींदियां नूं रवाउंदे नहीं, थकदे उहनां दे जाण तो बाद की स्यापा करदे, फिर तुसीं वेखदे ही हो। इस करके मरण नूं अरदास करो। ठीक है, इन्हां नाल ये नहीं कि नफरत करनी, प्यार करो, पर इन्ना ना करो कि असली प्यार नूं भुल जाओ। असली प्यार साडा इहदे नाल होवे, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलण की एहो तेरी बरिया। गुरु कृपा करे जी भुल चुक दी खिमा, महाराज जी मेहर करन, तुसीं अरदास सुनो, हुक्मनामे सुनो, लंगर प्रशादा छको, सानू आग्या दे दिओ। 2.5 घंटे आंदियां लगे आ, हुण 2 घंटे लगणगे जांदियां वी। ये तो साडा मोनू है जिहड़ा फटाफट गड्डी भजा के लिया, पता नहीं किहड़े किहड़े रस्तियां तों कढ के लिया, ते भला होवे इहदा। महाराज जी मेहर करन, जो समय सिर पहुँच गए, जे सानू कल्लिया आउणा पैंदा तां असीं ते अजे फसे ही होणा सी। महाराज जी मेहर करन, साढ़े 5 दे चले हुए हैं, तो
तो महाराज जी मेहर करन तुहाडियां रब वर्गियां रूहां दे दर्शन करके साडियां थकावटां लै गईयां। अगो भी समा बनिया ते तुहाडे जोड़े चाढ़ांगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी कमेटी दा, ओ सिंह दा जिन्ने प्रोग्राम बुक कराया, महाराज जी उन्हों भी चढ़दी कला बख्शन। बाणी डॉट नैट वाले वीरां दा धन्यवाद, गगनवीर जी आए हुए ने नाल साथी नूं लै के। ये प्रोग्राम हुण यूट्यूब ते पै जाएगा, कल वेखो, साल बाद देखो, दस साल बाद वेखो, जरूर सुन सुन के चेते करिया करो, मना कित्थे पहुँचे हाँ। जे सुन के अमल ना कीता ते फिर इवें जिंदगी तेरी खराब जा रही है। पुल चुक दिखी मान दे असी सां गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ठाकुर तुम मैं सुख घने रे कोई ना हंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समग्री तुम रे सूतर तुम ते हो ए सो तुमरी गत मित तुम ही दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमरक गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुरते अमरदास रामदास है होय सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय करनौ निधि आवै ताहीं सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होय सहाय। दसा पातशाहियां की जो तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दिदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। पंजाब प्यारियां चौ साहिब जादे चाली मुकतिया हठिया जपिया तपिया जना ने नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई देग बहाई देख के अंडठ किता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। जना सिंघा सिंघना निरमी शिश दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किस्सा सुवासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। पंजाब तख्तां सरबत गुरुद्वारियो का ध्यान धर के बोलना जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जिनो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जाह जाह खालसा जी साहिब ताह ताह रशिया रिहत देग तेग फतेह। ब्रत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकिया चंडी बुंगे जुगो जुग टल त्रम का जेकार बोलना जी। सिखादा मन नीवा मत उची मत पत दा रखाप वाहिगुरु। हे काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिना तो पंथ नु विछोड़िया गया है तिना दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जिनू बख्शो। हे निमाणिया दे माण गुरु नितानिया दे ताण
ਨੀ ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸੋਨੇ ਪੱਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਤਾਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਤਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਤਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਛੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਦਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਮਤ ਸਤਬੁੱਧੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਤਾਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਂ ਵਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿਚਰਾਉਣਾ ਜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦਤਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਰਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਲ ਸੇਵਾ ਥਾਈਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਸੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਦਤਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੋ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਮੋਹਕ ਬਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਦਤਾਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੋਹਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਸੇਵਾ ਥਾਈਂ ਪਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਨਾਹ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ
ख्वार होए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो सरदा कर सेवन दे, खंडा जाके हाथ में सो हमरी रक्षा करे, सो सब दी रक्षा करे। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जप दिया खिन ढिल ना की जई, मेरी जिंदड़िए मत की जापे सा हो, आवे के ना आवे राम। कुर्बान जाई उस विला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पहे किरपाला, सतगुर पूरा पाया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दये वसाया। सुख सागर गुर पाया, तासे सा सगल मिटाया, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दये वसाया। सुख सागर गुर पाया, तासे सा सगल मिटाया, हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई, गुरपुरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकत कहानी, जन बोले अमृत बाणी, नानक दास वखाणी, गुरपुरे ते जानी। प्रभ की अकत कहानी, जन बोले अमृत बाणी, नानक दास वखाणी, गुरपुरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत जी दीवान की समाप्ति है।
गुरु के अतुट लंगर संगतां वास्ते तैयार हैं गुरु तेग बहादुर सेवक दल वालों, क्योंकि अज मिठी याद मेरे वीर सरदार अजीत सिंह जी चेयरमैन साहब गुरु तेग बहादुर सेवक दल उन्हां दी मनाई गई है, जिस विच पंथ दे उगे रागी भाई साहब जसविंदर सिंह जी सोनू वीर जी दिल्ली वाले विशेष तौर पर हाजरी भरी है। आओ सोनीपत दी संगत वालों भाई साहब जी नूं जी आया नूं कहिए बोले सोनेहाल। मेरे वीर बाणी नट वालियां दा बहुत बहुत धन्यवाद गगनदीप सिंह जी जो कि अपने साथी समेत सोनीपत पुजे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं मेरे वीर इंद्रप्रीत सिंह जी नाल जयप्रीत सिंह जी नाल, बच्चे हैं अपने पूरी सेवा निभाते हैं गुरुद्वारा साहब विखे आ के इस प्रोग्राम की, होर भी कितने प्रोग्राम होए जाके पुछदे हैं तो पूरी सेवा करते हैं। सो सतसंग जी गुरु का लंगर चल रहे हैं, आप जी ने बड़ी छक के जो प्यार जान की कृपालता करनी है, लंगर उन्ना लैना जिन्ना आप जी ने छकना, झूठ नहीं बचानी, जे ले जाना है घर वस्ते तो बेशक लै जाए, मना नहीं करना किसी नूं भाई, गुरु कृपा करे। आओ सतसंग जी अगला महीना 25 तरीक का दिन आखिरी शनिवार इस तरह आप जी ने गुरुद्वारा साहब विखे 8 बजे तो लैके 9:30 बजे तक दीवान सजणगे, जो भी रागी सज्जन आणगे वो आप जी ने पता लग जाएगा। आप जी जिथे जुड़ते उत्थे होरन जुड़न का उपराला करिया करो, सब तो वड्डा पुन है, तोड़न वर्गा कहिंदे ने पाप नहीं जोड़न वर्गा पुन नहीं। सतसंग जी आओ 3 तरीक शहीदी गुरपुरब गुरु अर्जन देव जी महाराज का आ रहा है, ठंडिया छबीला बस अड्डे के बाहर गुरु तेग बहादुर सेवक दल वालों हर साल लगती हैं, तकरीबन 8:30 बजे अरदास होती है, 3 बजे तक ये छबीला चलती हैं। जिन्होंने सेवा करनी हो दुध की चीनी की शरबत की सेवा करनी हो उस सवेरे 9 बजे उत्थे अरदास में शामिल होवो, परिवार समेत पुज के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। बस अड्डे के बाहर छबील लगती है। सतसंग जी बीबिया के चरणों में बेनती है कि आप जी बड़ी प्यार नाल लंगर चक के दो बाल्टियां कड़छियां जो भी समान उत्थे पे है वह धो के जान की कृपालता करनी। 1, 2 ते 3 तरीक नूं सतसंग जी 3 दिन समागम गुरुद्वारा 4 मरला मनाया जा रहा है, उत्थे आप जी ने 1 तरीक नूं सवेरे तकरीबन 5 बजे प्रभात फेरी आरंभ होनी है जो कि 8 बजे तक चलेगी, दूर नेड़े तो घूमती हुई सतसंग जी गुरुद्वारा साहब विखे वापस पुजेगी। 3 तरीक रात को गुरविंदर शाह जी पानीपत वाले वो सतसंग जी आप जी दर्शन करनगे आके, समा 8 से 10 रहेगा। आप जी परिवार समेत पुज के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो, जिथे भी प्रोग्राम होवे उत्थे पहुंचने की कृपालता करिया करो। आओ बाबा जी नूं निजी सुखासन ते आराम कराइए ते छुट्टियां बख्शीए, अरदास विच शामिल होइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे आगे को नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो। सब तेरी वड्याई कोई ना हो न जाने मेरा। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई धियाए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठी सब दुख जाए तीक बहादुर सिमरी है करण उन दयावे ताई। सब थाई हो सहे दसवे पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब थाई हो सहाय दसा पाशाइया की जो तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दिदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। हे निमाणिया दे माण गुरु नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट जुगों जुग टल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी। ऐस वेले आप जी दे सुखासन दी सेवा सुला साहिब दे जाप होए गुरबाणी दे जाप करदियां सेवा निभाउंदियां होईयां भुलां दी खिमा करना पातशाह जीओ
अगहा तो सोहनी सुमत सतबुद्धि बख्शना दतार जी कृपा करो इस वेले आप जी अपने सुखासना ते विराजमान हो के संगतां नू दासरियां नू छुट्टियां बख्शो जी अमृत वेले दा जागना नितनेम दियां दातां बख्शिश करना सही प्यारे मिलो जिन्ना मिले आप जी दही नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सौ निहाल सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो तन सुहावा राम राजे जिथे पालिया लै तुरमुख नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो वाहेगुरु 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 जप लो भाई जी ने नहीं जपिया वाहेगुरु 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 वाह वाह वाहेगुरु 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 वाहे गुरु वाहेगुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहे गुरु बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाह।